हेलो एवरीवन, मैं अमित ठाकुर और आज के इस वीडियो में बात करेंगे बायर के अकाउंट पे कैसे इंसिडेंस क्रिएट किया जाता है। जैसे कि बायर आपके अकाउंट पे इंसिडेंस क्रिएट कर देता है या जैम एडमिन आपके अकाउंट पे सेलर अकाउंट पे इंसिडेंट क्रिएट करता है, उसी तरह से सेलर बायर के अकाउंट पे भी इंसिडेंस क्रिएट कर सकता है अगर बायर कुछ गलत करता है। जैसे मान लीजिए आपका बायर आपकी CRAC जनरेट करने में काफ़ी टाइम लगा रहा है, या CRAC बना दी लेकिन उस पेमेंट रिलीज नहीं कर रहा। इसके बाद आपको जो ऑर्डर मिला, जब आप उन्हें ऑर्डर बायर के लोकेशन पे भेजा तो वहाँ पे बायर प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करने से मना करे, तो भी उस केस में आप उसके ऊपर इंसिडेंस क्रिएट कर सकते हैं। या आपके प्रोडक्ट को बायर किसी भी वैलिड रीजन दिए बिना ही रिजेक्ट करे तो भी आप बायर के ऊपर इंसिडेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की कंप्लीट जो वीडियो है यही है कि आप बायर के ऊपर इंसिडेंस कैसे क्रिएट करें उस केस में अगर आपका बायर आपके साथ कुछ गलत करता है। तो इंसिडेंस क्रिएट करने से पहले एक बात का आपको जरूर ध्यान रखना है कि आप उसी बायर के ऊपर इंसिडेंस क्रिएट कर सकते हैं जिस बायर का आपके पास ऑर्डर आया हो, और आप किसी पर्टिकुलर ऑर्डर के बिहाफ पे ही इंसिडेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ कैसे आपको अपने बायर के ऊपर इंसिडेंस क्रिएट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है आपको, ये देखिए यहाँ पर नीड हेल्प का ऑप्शन दिया हुआ है ना, आपको क्या कीजिए इसके ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आए आप रिपोर्ट एंड इंसिडेंट्स में, इस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप रिपोर्ट एंड इंसिडेंट्स में आ जाएंगे ये आपका इंसिडेंस वाला पेज खुल जाएगा। यहाँ पे जो भी आपने किसी के ऊपर इंसिडेंट क्रिएट की हुई है वो शो करेगी, या आपके ऊपर किसी ने इंसिडेंट क्रिएट की हुई है वो भी सेव करेगी। मतलब ये पूरा जो पेज है हमारा इंसिडेंट का पेज है। अब यहाँ पे फिलहाल अभी तक हमने ना किसी पे इंसिडेंट क्रिएट की हुई है, ना ही हमारे अकाउंट पे कहीं से इंसिडेंट आई हुई है, तो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं कर रहा। अगर कुछ इंसिडेंट्स चल रहे होते हमारे तो यहाँ पे सारी हिस्ट्री शो कर देता कि हमारे ऊपर कौन कौन सी इंसिडेंट्स चल रही है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक इंसिडेंट क्रिएट करके देख रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे इंसिडेंट न्यू का ऑप्शन दिख रहा है ना, आप इस पर क्लिक कीजिए। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास क्रिएट इंसिडेंट का पेज ओपन हो जाएगा, और इंसिडेंट ओपन होने के बाद आपसे सबसे पहले जो है मांगा जाएगा कॉन्ट्रैक्ट नंबर या ऑर्डर नंबर। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सर्च के आइकन पर क्लिक करेंगे, जो सर्च का आइकन दिख रहा है ना ये देखिए ये वाला, इसके ऊपर आप क्लिक कर देना सर्च के आइकन पर। जैसे ही आप सर्च के आइकन पर क्लिक करेंगे आपके सारे ऑर्डर आपके सामने शो करने लगेगा कि आपको ये ऑर्डर रिसीव हुए। अब इनमें से जिस भी ऑर्डर के बिहाफ पे आपको इंसिडेंस क्रिएट करनी है बायर के ऊपर, आप उस ऑर्डर को सिलेक्ट कर लीजिए। मैं एग्जांपल के तौर पे इस वाले ऑर्डर को ले लेता हूँ कि मेरे को इस ऑर्डर के बिहाफ पे बायर के ऊपर इंसिडेंस क्रिएट करनी है। तो मैंने क्या किया, इस ऑर्डर को सिलेक्ट कर लिया। इस ऑर्डर को सिलेक्ट करते के साथ नीचे मेरा बायर का डिटेल आ जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर मेरे से बोलेगा इनवॉइस नंबर सिलेक्ट करने के लिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने अपना इनवॉइस नंबर सिलेक्ट कर लिया जो मैंने क्रिएट कर चुका हूँ मैं, क्योंकि इसका इनवॉइस, यहाँ पे इनवॉइस नंबर सेलेक्ट किया। उसके बाद मैं स्क्रॉल करूँगा नीचे, यहाँ पे आ गया मेरे पास रीज़न। यहाँ पे आपको कोई भी एक रीज़न सेलेक्ट करना है बायर के खिलाफ कि आप किस पर्पज़ से बायर के ऊपर इंसिडेंस क्रिएट करना चाहते हैं, क्या प्रॉब्लम है आपको बायर से। तो आप क्या करेंगे, ड्रॉप डाउन ओपन करेंगे। सबसे पहले दिया हुआ है कि बायर, हमने जब ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लिया उसके बाद बायर हमारे ऑर्डर को कैंसिल कर रहा है, तो अगर ऐसा है आपके पास साथ सिचुएशन तो आप इसको क्लिक सेलेक्ट कर लीजिए। क्योंकि कई बार होता है हम लोगों के पास ऑर्डर आ जाते हैं और हम जैसे ही सिलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद बायर की कॉल आ जाती है कि ये ऑर्डर बाय मिस्टेक हो गया, हम इसे कैंसिल कर रहे हैं, या बायर अपने एंड से उस ऑर्डर को कैंसिल कर देता है। तो उस केस में भी आप बायर के ऊपर इंसिडेंस क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा हो गया, आपने ऑर्डर डिस्पैच कर दिया, बिल सब बना दिया, उसके बाद भी बायर आपकी CRAC जनरेट नहीं कर रहा, डिले कर रहा है CRAC में, तो उस केस में भी आप बायर के ऊपर इंसिडेंस क्रिएट कर सकते हैं। तीसरा हो गया पेमेंट का, CRAC बन गई फिर भी पेमेंट नहीं कर रहा। उसके बाद हो गया कंसाइनी लोकेशन पे आपका प्रोडक्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहे या कुछ भी हो रहा है, या आपके प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर रहे हैं विदाउट एनी वैलिड रीज़न के थ्रू। तो आप इन सभी पॉइंट्स पे, आपके साथ जो मेनली पॉइंट्स हैं सारे कवर किए गए इस ड्रॉप डाउन में, आपके साथ जो भी प्रॉब्लम है इनमें से कोई सा भी अपना जो भी आपका पॉइंट हो रहा है आप उसको सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिस्क्रिप्शन में टाइप हो जाएगी कुछ लाइन, अगर आपको एडिशनल और भी कुछ टाइप करना है तो आप एडिशनल डिटेल्स टाइप कीजिए, सबमिट कर दीजिए। जैसे ही आप सबमिट कर देंगे ये क्या होगा, इंसिडेंस बायर के पास जाएगी, और बायर के पास जैम एडमिन का भी रिस्पॉन्स जाएगा कि आप इसका जवाब दो क्यों, ये ऐसा क्यों हुआ है। तो ये था पूरा प्रोसेस कैसे आपको अपने बायर के ऊपर इंसिडेंस क्रिएट करनी है। अभी मैं अपने, मेरे को इंसिडेंस क्रिएट नहीं करनी, मैंने बस आपको प्रोसेस के लिए बताया था, इसलिए मैं सबमिट के बटन पर क्लिक नहीं कर रहा। आप लोगों को करनी हो इंसिडेंट क्रिएट तो आप सबमिट के बटन पे क्लिक कीजिए और इंसिडेंट को प्रोसेस कर दीजिए। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में अगर आप लोग चाहते हैं
कि मैं प्रॉपर सेलर अकाउंट को कैसे मैनेज किया जाए कि ताकि सेलर अकाउंट के ऊपर इंसिडेंट क्रिएट ना हो, तो मैं उसकी प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। लेकिन उसके लिए अगर डिमांड है उस वीडियो की तो आप लोग कमेंट कर देना, अदरवाइज कोई जरूरत है नहीं। तो फिर मिलते हैं अगले संडे को किसी यूनिक कॉन्टेंट के साथ।